नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट नंबर 11। दोस्तों, हो सकता है वीडियो के स्टार्टिंग में 15-20 सेकंड तक आपको क्वालिटी क्लियर ना मिले। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कंप्रेशन यूज़ किया है, इसलिए आप वीडियो को एग्जिट ना करें, वीडियो को पूरा देखें, आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे चैनल का नाम है गवर्नमेंट सर्विस एस्पिरेशंस। आप इसको यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विस एस्पिरेशंस आप टाइप कीजिए यूट्यूब पे, सर्च बटन दबाइए, सब्सक्राइब बटन आपको दिखेगा लाल कलर का, उसको आप जो है प्रेस कीजिए और उसके साथ में आपको बेल बटन दिखेगा, आप उसको टैप भी कीजिए, उसको आप जो है क्लिक करेंगे तो आपको जो भी नई नोटिफिकेशंस होगी वो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगी। तो जितने भी वीडियोस अपलोड हुई हैं अभी तक वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बैंकिंग की हो गई, इंश्योरेंस की, कंप्यूटर की, रीजनिंग की, क्वांट की, इंटरव्यू की, ये सब आपको वीडियोस मिलेंगी। धीरे धीरे वीडियोस अपलोड हो रही हैं, आपको वीडियोस सारी धीरे धीरे मिलती जाएंगी। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में इंडोर्समेंट्स के ऊपर। हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चालू किया था। हमने ये कहा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर तीन इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन है, जो कि सेक्शन 4 के अंदर जो है वो आपका प्रोमिशनरी नोट्स के बारे में बताया गया है। सेक्शन 5 ऑफ द एनआई एक्ट के अंदर आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताया गया है। सेक्शन 6 ऑफ द एनआई एक्ट में आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपका चेक के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद हमने चेक की बात करी थी कि चेक क्या होता है। चेक जो है ऑन डिमांड ही पेएबल होता है। आप वर्बली नहीं बोल सकते हैं अपने बैंक को कि आप जो है हमें पैसा दे दो। बैंक को आपको क्या करना पड़ेगा, चेक प्रेजेंट करना पड़ेगा इन रिटर्न फॉर्मेट में, एक तरह से है आपको पूरा उसमें भरना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको बैंक जो है आपके अकाउंट को, भले ही आपका अकाउंट में पैसा लाखों पड़ा हो, करोड़ों पड़ा हो, पर जब तक आप डिमांड नहीं करेंगे रिटर्न फॉर्म में, तब तक आपसे आपको जो है आपका बैंक पे नहीं करेगा। थर्डली जो है ये चीज़ ध्यान रखिए कि हमने बात करी थी चेक के अंदर तीन पार्टीज होती हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉअर कौन है, जो अकाउंट होल्डर होगा। ड्रॉई कौन होगा, जो उसका जिस बैंक के अंदर उस ड्रॉअर ने अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है, जिसके नाम पे वो चेक निकाल रहा है, वो जो है ड्रॉई कहलाएगा। ड्रॉई जो है बैंक होता है, ध्यान रखिए चेक वाली हम जो बात कर रहे हैं तो। और पेई कौन होगा, आप जिसको पैसा पे कर रहे हैं। जैसे ए ने बी को अगर पैसा दिया है तो ए जो है चेक ड्रॉ करेगा, उसमें लिखेगा पेड मिस्टर बी, और वो किसको नाम पे ड्रॉ करेगा, एबीसी बैंक के नाम पे ड्रॉ करेगा, क्योंकि उसका अकाउंट जो है वो एबीसी बैंक में है। एबीसी बैंक को वो ऑर्डर करेगा कि आप जो है अगर बी आपको ये चेक देता है तो आपको जो है 10,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देने हैं। तो ये हमने जो है लिया था। उसके बाद हमने इंडोर्समेंट की बात करी थी। इंडोर्समेंट क्या होता है, इंडोर्समेंट के अंदर आप, क्योंकि चेक जो है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो आप इसको आगे फर्दर जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फर्दर नेगोशिएट कर सकते हैं, और उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंडोर्समेंट करनी पड़ेगी। अगर वो ऑर्डर चेक है और बेरर चेक है, अगर वो एक बेरर चेक है मतलब कि पे जो है पे के आगे ब्लैंक लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, तो वो जो है एक बेरर चेक हो गया, मतलब वो किसी के पास भी रहेगा तो वो जो है आदमी बैंक में जाके बोलेगा ये बेरर चेक है, आप मुझे मेरा पैसा दे दो मुझे, क्योंकि किसी के पास भी वो चेक रहेगा, क्योंकि उसमें आपने लिखा ही नहीं ना, पे के आगे कुछ लिखा नहीं है, नीचे अमाउंट मेंशन कर दिया आपने, साइन कर दिए हैं, तो वो चेक किसी के पास भी रहेगा तो वो जो है आराम से आके पैसा निकाल सकता है। ये क्या है, इसका मतलब आपको इसमें इंडोर्समेंट के फॉर्म में क्या करना होगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं करना होगा, आपको बस दे देना है। इन केस ऑफ अ बेरर चेक, जहां पे खाली पड़ा हुआ है, फेस ऑफ द चेक, मतलब कि अभी चलिए मैं आपको एक बार इस पर दिखा देता हूं। अगर मैं बात करूं आपका कि एक चेक है, उसके अंदर आपने पे के आगे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ अमाउंट आपने पूरा लिख दिया है 10,000, यहाँ साइन भी कर दिए हैं, और ये चेक आपने किसी को भी दे दिया। अगर आप इसको नेगोशिएट करना चाहते हैं तो आप ये इसको बाय हैंड बस दे दीजिए, बात खत्म हो गई। आपको पीछे जो है इसके इसके चेक के पीछे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस आपको ये हाथ में उसके दे देना है बाय मेयर डिलीवरी जो है एक बेरर चेक। बेरर चेक कौन से होते हैं, जिसके ऊपर नाम आगे नहीं लिखा रहता है, ब्लैंक रहता है, तो वो आप उसको बाय हैंड भी किसी को दे देंगे और बोलेंगे जाओ पैसा निकाल लो, तो वो जो है नेगोशिएट हो जाएगा, मतलब कि ये चेक जो है वो नेगोशिएट हो गया विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट ओनली बाय डिलीवरिंग द चेक, बेरर चेक जो है वो नेगोशिएट हो जाता है। अगर वो एक ऑर्डर चेक है, ऑर्डर चेक का मतलब है पे के आगे आपने लिखा है मिस्टर बी, मिस्टर सी जो भी है, और उसके बाद अमाउंट लिखा और यहाँ साइन किए हैं, तो ये क्या है कि ऑर्डर चेक है, मतलब आपने बैंक को ऑर्डर किया है कि मिस्टर बी को पैसा दिया जाए। अगर अब मिस्टर बी चाहता है कि मैं इसको आगे नेगोशिएट करूँ, तो मिस्टर बी को इस चेक के फेस पे या इस चेक के पीछे
जो है लिखना पड़ेगा पे डैश करेगा ऐसा, तो इसको हम लोग कहेंगे इंडोर्स, और यहाँ साइन कर देगा मिस्टर बी, तो इसको हम कहेंगे इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। अगर वो जो है ऐसा करता है पे मिस्टर सी और नीचे साइन कर देता है बी, तो ये हम लोग कहेंगे इंडोर्समेंट इन फुल, मतलब कि जो जिसको भी आप ये नेगोशिएट कर रहे हो, जिसको आप ये पैसा, जिसको ये आप चेक आगे दे रहे हो, जिसके नाम पे आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, उसका अगर आप नाम भी लिख देते हो तो हम लोग उसको इंडोर्समेंट इन फुल कहेंगे। अगर आप उसका नाम की जगह उसको बस खाली छोड़ देते हो और दे देते हो, तो उसको हम इंडोर्समेंट इन ब्लैंक कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। तो अब आप ये देख सकते हैं कि बेयरर चेक कितना आसान है नेगोशिएट करना, पर इतना ही ये डिफ़िकल्ट भी है कि अगर मान लीजिए चेक खो गया, कुछ हो गया, तो कोई भी आके पैसा ले जा सकता है। पर अगर आप ऑर्डर चेक देंगे तो ऑर्डर चेक में थोड़ी सिक्योरिटी रहती है, अगर मान लीजिए ऑर्डर चेक ये खो गया अभी, तो ये मिस्टर बी को ही पैसा मिलना है ना। अगर उसने आगे एंडोर्समेंट इसका नहीं किया, किसी और को ट्रांसफ़र नहीं किया है, तो मिस्टर बी को ही मिलना है। पर अगर उसने आगे जो है ये पे ऐसे करके ब्लैंक छोड़ दिया और मिस्टर बी लिख दिया और आगे दे दिया किसी को और उससे खो गया, तो कोई भी आके पैसा ले जाता है। क्योंकि क्यों? क्योंकि यहाँ पे के आगे डैश है ना, कोई भी आके ले जा सकता है। एक तरह से ये बेयरर हो गया ना एक तरह से, क्योंकि इसमें आगे नाम ही नहीं है। तो इंडोर्समेंट इन ब्लैंक जो है वो भी थोड़ा सा खतरनाक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो अब हम जो है आगे पढ़ते हैं, आगे और कौन सी टाइप की इंडोर्समेंट होती है वो हम आगे पढ़ते हैं। आपको बेयरर चेक और ऑर्डर चेक समझ में आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हमने पिछला लिया था ना, उसी का मैं एक बार थोड़ा सा दिखा रहा हूँ आपको। व्हेन द एंडोर्सर मेक्स अ डायरेक्शन टू पे द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द चेक टू अ सर्टेन पर्सन, सर्टेन पर्सन मतलब क्या, आपने मिस्टर बी को यहाँ पे लिख दिया पीछे चेक के पीछे, क्या लिख दिया पे मिस्टर बी, और नीचे जो है पे मिस्टर सी मान लीजिए, और यहाँ नीचे साइन कर दिया पे मिस्टर सी। ठीक है, एक सॉरी मैं आपके सामने थोड़ा सा थोड़ा छोटा हो गया, एक बार दिखा देता हूँ। ये एक चेक है, ए ने जो है वो बी को ये चेक दिया और लिखा पे मिस्टर बी। ठीक है, और यहाँ मिस्टर ए ने साइन कर दिए। ठीक है, अब ये मिस्टर बी को मिल चुका है। अब बी चाहता है कि मैं किसी और को ये ट्रांसफ़र कर दूँ, मान लीजिए सी को ट्रांसफ़र करना चाहता है उसका, तो फिर उसके पीछे चेक के पीछे क्या कर देगा, या चेक के सामने भी लिख सकता है, या कोई एक अलग से पेपर को भी लिख सकता है, उसके साथ इसको जोड़ सकता है। और देखिए क्या लिखेगा, पे मिस्टर सी। अभी क्योंकि होल्डर कौन है, बी है ना, तो बी को पीछे अपना साइन करना पड़ेगा। तो अब ये चेक क्या है, ये नेगोशिएट हो गया है। तो यहाँ पे जो ये एंडोर्समेंट है, जहाँ पे पार्टी का नाम भी लिखा जाता है जिसके नाम पे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे एंडोर्समेंट इन फुल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, इसमें बी, जब ये बी जो है सी को दे रहा है, तो बी क्या है, इंडोर्सर, जो इंडोर्स करता है उसको इंडोर्सर कहते हैं, और जिसके नाम पे आप कर रहे हैं उसको कहेंगे इंडोर्सी। ठीक है, इंडोर्सी, या फिर हम इसको कह सकते हैं, बी को ये भी कह सकते हैं, बी इज ट्रांसफरर, और सी क्या है, जिसके नाम पे ट्रांसफर हो चुका है उसको क्या कहेंगे, ट्रांसफरी। ये भी ध्यान रखिए, ये टर्म्स हैं, ये आती हैं कई बार छोटी मोटी, ध्यान रखिए, इंडोर्सर इंडोर्सी, ट्रांसफरर ट्रांसफरी, जैसे आपका ड्रॉअर ड्रॉई, वो अलग चीज़ है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये जो है इसको मैंने आपको बता दिया इंडोर्समेंट इन फुल क्या होता है। दोनों इंडोर्समेंट इन ब्लैंक और इंडोर्समेंट इन फुल, इन दोनों की डेफिनेशंस जो है सेक्शन 16 ऑफ द NI एक्ट में दी गई हैं। ठीक है, तीन तो मैं आपको बता चुका हूँ, 4, 5, 6 में क्या है और सेक्शन 16 में क्या है, इंडोर्समेंट इन ब्लैंक और इंडोर्समेंट इन फुल के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा इंडोर्समेंट है वो पढ़ते हैं। अगले एंडोर्समेंट की बात करते हैं, कंडीशनल एंडोर्समेंट। कंडीशनल एंडोर्समेंट क्या है दोस्तों, एक कंडीशन लग गई है। ठीक है, नॉर्मली द एंडोर्सर बाइंड्स हिमसेल्फ टू पे इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बट व्हेन ही एक्सक्लूड्स हिज लायबिलिटी विदाउट रिकोर्स, देन द एंडोर्समेंट इज टर्म्ड एज कंडीशनल। सिमिलरली, व्हेन द राइट ऑफ एंडोर्सी टू रिसीव द ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट, द एंडोर्समेंट इज टर्म्ड एज कंडीशनल। ठीक है, अगला देखिए, रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, ये सेक्शन 50 के अंदर दिया गया है इसके बारे में, ऑफ NI एक्ट। दिस में रिस्ट्रिक्ट और एक्सक्लूड द राइट टू नेगोशिएट और टू रिसीव इट्स कंटेंट्स फॉर द यूज ऑफ द एंडोर्सर। एग्जाम्पल, पे टू श्वेता शर्मा ओनली, सैंस रिकोर्स विदाउट लाइबिलिटी, इसके बारे में सेक्शन 52 में बोला गया है। Endorsement with the express words of excluding liability of the endorser is called endorsement without recourse or liability. जैसे pay to Shweta Sharma or order without recourse to me. ठीक है, अब हम जो इन तीनों को समझते हैं, अभी आपको मैंने रीड करके तो बता दिया, अब इसको हम अच्छे से समझते हैं, टेंशन मत लीजिए, समझ में आएगा, बहुत ईजी है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए
इंडोर्समेंट की हम बात कर रहे थे, टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट्स की, उसके अंदर हमने इंडोर्समेंट इन ब्लैंक पढ़ लिया, इंडोर्समेंट इन फुल पढ़ लिया। अब तीसरा क्या आता है, कंडीशनल इंडोर्समेंट, उसके बारे में जानते हैं। क्या होता है कंडीशनल इंडोर्समेंट? देखिए देखिए, नॉर्मली जो है ये देखिए, ए ने क्या किया था, बी को चेक दिया था, अभी हमने बोला था, अभी अब वो जो पिछला एग्जांपल है, बी ने क्या किया, सी को अब देना चाहता है, तो वो क्या करेगा, इंडोर्समेंट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ए ने बी को एक ऑर्डर चेक दिया था। ऑर्डर चेक मतलब पे, आगे ब्लैंक नहीं छोड़ा उसने, मिस्टर बी, फेस पे क्या लिख दिया, मिस्टर बी अमाउंट, और यहाँ साइन कर दिए, तो ये क्या है, एक ऑर्डर चेक है। ए ने एक ऑर्डर चेक दे दिया बी को। अब बी जो चाहता है इस ऑर्डर चेक को फर्दर नेगोशिएट करना चाहता है सी के लिए, सी को, तो वो क्या करेगा, इस ऑर्डर चेक के बैक पे लिख देगा पे मिस्टर सी और अपना साइन कर देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी होल्डर अब मिस्टर बी है, ठीक है ना, अब ए का इसका कोई मतलब नहीं है, अभी बी के पास ये होल्डर है, इसलिए तो बी जो है अब सी को ट्रांसफर कर देगा इस तरह से एंडोर्समेंट करके। तो हम जो है ये एंडोर्समेंट इन फुल कहते हैं इसको। अब एंडोर्समेंट अब जनरली क्या होता है नॉर्मली, अच्छा तो ये बी क्या है दोस्तों, एंडोर्सर कहेंगे इसको, और सी को क्या कहेंगे, एंडोर्सी कहेंगे। मैंने आपको बताया अभी, जो इंडोर्समेंट करता है इसको इंडोर्सर, और जिसके नाम पे, जिसको नाम पे ट्रांसफर किया है, जिसके नाम पे इंडोर्स किया, उसको कहेंगे इंडोर्सी, यानी बी जो है इंडोर्सर और सी क्या है, इंडोर्सी। देखिए नॉर्मली क्या होता है, इंडोर्सर जो है अपने आप को बाइंड करता है कि अगर ये जो है इंस्ट्रूमेंट, अगर ये जो चेक है ये अगर डिसऑनर हुआ, मतलब कि कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आई और पैसा जो है सी को नहीं मिला, तो ये जो है बी बोलता है कि तो मैं इसकी लाइबिलिटी लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैं है जो इसकी लाइबिलिटी लूंगा, अगर ये चेक जो है बाउंस हो गया या सफिशियंट फंड्स के कारण बाउंस हो गया, कुछ हो गया, आपको पैसा नहीं मिला, तो मैं, आप मेरे पास दोबारा आ सकते हो, मैं आपको पैसा दूंगा, आप टेंशन मत लो। पर अगर क्या कहता है, बी कहता है अगर चेक में वो इस तरह से लिख दे कि मैं जो है अपना जो है, आप अगर ये चेक जो है फेल हो गया, आई मीन चेक जो है बाउंस हो गया, तो आप मेरे पास वापस नहीं आ सकते, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कंडीशनल एंडोर्समेंट। आपने एक कंडीशन लगा दी कि भैया मैं आपके नाम पर ट्रांसफर तो कर रहा हूँ, पर अगर ये चेक आपको नहीं, आपको रियलाइज नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ गई, डिसऑनर आ गया, तो आप मेरे पास वापस मत आना जी कि आप मेरे को ये पैसा नहीं मिला, तो आपके पास कोई लीगल रिकॉर्ड्स नहीं है वापस आने के लिए कि आप भैया मैं अपनी लायबिलिटी छोड़ रहा हूं, मैं आपके नाम पे ट्रांसफर तो कर रहा हूं, आपके नाम पे इंडोर्स तो कर रहा हूं, पर अगर वो चेक आपका रियलाइज नहीं हुआ तो भैया मेरे पास मत आना। तो इसी को कहा जाता है कंडीशनल इंडोर्समेंट, ठीक है ना, कंडीशनल इंडोर्समेंट, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए राइट ऑफ इंडोर्सी टू रिसीव द ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए अगर जो है सी बोले, अगर मान लीजिए बी ये बोलता है, मान लीजिए एक एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर जो है इन दोनों की शादी हो गई, अगर सी और डी की शादी हो गई, तभी मैं भैया ये चेक जो है रियलाइज होना चाहिए, वरना नहीं होगा। हो सकता है ये बी जो है ये इसका डी का फादर हो, और अगर इन दोनों की सी और डी की शादी हो जाती है तो ही बोलेगा कि ठीक है भैया आप जो ये चेक मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको अगर तब रियलाइज करोगे, मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर आप दोनों की शादी होती है तभी आपको ये पैसा मिलेगा एज अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड, अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई तो आपको ये पैसा नहीं मिलेगा, तो एक तरह से कंडीशनल लगा दी। तो ये दिस इज कॉल्ड कंडीशनल एंडोर्समेंट। मैंने आपको चीज बताई कि अगर ये हुआ तो ही, इसी तरह मैंने क्या बोला कि ये जो है अगर चेक जो है रियलाइज हो गया तो अच्छा है, अगर ये नहीं हुआ तो आपके पास दोबारा मेरे पास आने की, आप वो जो है नहीं आ सकते हो, मैंने ऐसे इस पे लिख दिया है पे मिस्टर सी और विदाउट रिकोर्स टू मी, मतलब मेरे पास वापस नहीं आने का, विदाउट रिकोर्स ऐसा लिख देगा वो, ठीक है ना, पे मिस्टर सी, मिस्टर सी को पे कर दो विदाउट रिकोर्स, पर अगर वो रियलाइज नहीं हुआ तो वो मेरे पास वापस आके पैसे नहीं मांग सकता, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल एंडोर्समेंट। अब मैं बात करता हूं रिस्ट्रिक्टिव, चौथा क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट के बारे में सेक्शन 50 में बोला गया है। इसमें क्या कहा है, क्या देखिए हो सकता है, देखिए अगर मैं ये चेक के पीछे लिख दूं ऐसे पे, अगर पे मिस्टर सी करके नीचे साइन कर दिए तो एंडोर्समेंट इन फुल हो गया, पे मिस्टर सी विदाउट रिकोर्स, मतलब मेरे पास वापस नहीं आना लायबिलिटी के लिए, तो ये कंडीशनल हो गया। रिस्ट्रिक्टिव जो है एंडोर्समेंट क्या होती है, पे मिस्टर सी ओनली, पे मिस्टर सी ओनली, इसका मतलब क्या हुआ है कि जो है
बी ने ये बोला है कि मिस्टर सी को ही मिलना चाहिए पैसा और किसी को नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब अब अगर ये सी के पास ये इंस्ट्रूमेंट आएगा तो ये इसको आगे तो नेगोशिएट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी ने पहले ही बोल दिया ना कि ये सी के अलावा किसी को ये पैसा नहीं मिलना है। ओनली वर्ड आ गया, मतलब इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भैया अब ये जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आगे नेगोशिएट नहीं कर सकते हो आप। दिस मे रिस्ट्रिक्ट और एक्सक्लूड द राइट टू नेगोशिएट और टू रिसीव इट्स कंटेंट्स फॉर द यूज ऑफ इंडोर्सर। ठीक है ना? मतलब कि क्या है कि आप जो है सी को, भैया ये अब फाइनल हो गया है, अब इसके आगे ये नेगोशिएट नहीं कर सकता। यहाँ पे इसकी नेगोशिएबिलिटी, इस चेक की नेगोशिएबिलिटी खत्म हो गई। पैसा मिलना है तो वो सी को ही मिलना है, सी आगे किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है ना? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे पे टू मिस्टर सी ओनली। अगर सिर्फ मिस्टर सी लिखा रहता तो हम इंडोर्समेंट इन फुल कहते। अगर मिस्टर सी विदाउट रिकॉर्ड्स है तो आगे भी वो नेगोशिएबल है, बट जो वापस जो है वो बी के पास नहीं आ सकता कि भैया पैसा रियलाइज नहीं हुआ, अब हमको दो, क्योंकि इसने विदाउट रिकॉर्ड्स लिख दिया था बी ने कि, है ना, विदाउट रिकॉर्ड्स मेरे पास वापस नहीं आने का अगर पैसा नहीं मिला तो क्या करेगा सी, आगे इसको नेगोशिएट कर सकता है। अगर मैं बात करूं रिस्ट्रिक्टिव की तो ये लिख सकता है पे टू मिस्टर सी ओनली, मतलब सी को ही पैसा, इसके जो भी रियलाइजेशन होगा वो सिर्फ सी को ही मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए सी बोलेगा कि मैं आगे डी को दे देता हूं और लिख देता हूं पे टू डी, तो ये तो बिल्कुल बैंकर साफ मना कर देगा ना कि यार जब यहाँ लिखा है कि जो भी है पे टू मिस्टर सी ओनली है, इसको तो कोई ओवरटेक कर नहीं सकता, इसको भैया और कोई कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि जो इससे पहले वाला आदमी ने बोला था कि सिर्फ मिस्टर सी को ही दो, इसका मतलब क्या है कि ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसने कि ये आगे नेगोशिएट नहीं करा जा सकता ये इंस्ट्रूमेंट। जो भी इसका पैसा होगा वो मिस्टर सी को ही मिलना है, आगे और किसी को नहीं मिलना है। तो फिर यहाँ पे इसकी नेगोशिएबिलिटी खत्म हो जाती है। इसको कहते हैं हम लोग रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला हम बात करें सांस रिकोर्स। देखिए इंग्लिश में सांस का मतलब होता है विदाउट। हम लोग कहते हैं ना जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो सांस टीथ, मतलब विदाउट टीथ, सांस एवरीथिंग, विदाउट एवरीथिंग, तो सांस का मतलब होता है विदाउट। ठीक है, सांस रिकोर्स का भी मतलब वही एक तरह की कंडीशनल एंडोर्समेंट ही है। सांस रिकोर्स को हम लोग विदाउट लाइबिलिटी भी कहते ही हैं। देखिए, ठीक है, ये इसके बारे में सेक्शन 52 ऑफ द एनआई एक्ट में बोला गया है। कंडीशनल एंडोर्समेंट के बारे में, सॉरी, रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट के बारे में सेक्शन 50 ऑफ द एनआई एक्ट में बोला गया है। सांस रिकोर्स एंडोर्समेंट जो है ये सेक्शन 52 में इसके बारे में बताया गया है। एग्जाम्पल मैं इसका अगर बोलूं तो क्या होगा, पे टू मिस्टर सी विदाउट रिकोर्स टू मी, मतलब बात वही हो गई, क्या है, कंडीशनल हो गई एक तरह से, विदाउट रिकोर्स टू मी। कंडीशनल में जनरली हम लोग कहेंगे कि एक कंडीशन है, अगर ये फुलफिल हो गई तो ही पैसा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। ठीक है ना? उसके अंदर आप चाहें तो ये भी ऐड कर सकते हैं कि रिकॉर्ड्स जो है आप मेरे पास वापस नहीं आ सकते हो, ये भी कर। पर कंडीशनल में बेसिकली क्या है, कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, मतलब सी और डी की शादी हो गई तो ही ये पैसा इसको मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, एक कंडीशन लग गई। ठीक है ना? कि मान लीजिए अगर बी की डेथ हो जाती है तभी सी को पैसा मिलना चाहिए वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी एक तरह की कंडीशन हो गई। तो ये चीजें हैं। तो सांस रिकोर्स मतलब कि अगर ये पैसा आपको मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो आप मेरे पास वापस नहीं आओगे। एक तरह से ये जो बी जो है, बी ने क्या किया, सी को ऐसा लिख के दिया, पीछे एंडोर्स करके दिया, तो एक तरह से बी ने अपनी लायबिलिटी हटा ली कि भैया चलो कोई नहीं, अब इसको पैसा मिले या ना मिले मुझे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास वापस नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया है पे टू मिस्टर सी विदाउट रिकोर्स टू मी, और नीचे मैंने साइन भी कर दिए, तो ये बात खत्म हो गई। तो सांस रिकोर्स वही है, एक ऐसा एंडोर्समेंट है जहां पे एक्सप्रेसली बताया जाता है कि भैया मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, मतलब इंडोर्सर की कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। अगर इंडोर्सी को, यानी इसको अगर पैसा मिले या ना मिले मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, चेक बाउंस हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर अगर ये वापस मेरे पास नहीं आ सकता है। तो जिसको चेक और इसके बारे में कुछ पता नहीं है और वो अगर ये लेटर देखे तो उसको थोड़ा ना समझ में आ गया, इसलिए चेक की जिसको नॉलेज है वो अच्छा फायदा इसका उठा सकता है अगर वो चाहे तो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए हम लास्ट वाला पढ़ते हैं, एंडोर्समेंट कौन सा है। अगला मैं बात करूं दोस्तों, एक आता है लास्ट आपका एंडोर्समेंट, इसके बाद हम लोग क्रॉसिंग पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में काफी आता है। फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, द इंडोर्स, एक बार आप इसका वो देख लीजिए क्या है लिखा है हमने। देखिए फैकल्टेटिव का मतलब क्या है, द इंडोर्सी मस्ट गिव अ नोटिस ऑफ डिसऑनर टू द इंडोर्सर बट द इंडोर्सर मे वेव दिस राइट इन राइटिंग टू द इंडोर्समेंट। देखिए पे टू श्वेता शर्मा और ऑर्डर नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड, द इंडोर्सर हाउएवर रिमेन्स लायबल टू द इंडोर्सी फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों मैंने क्या कहा था, मान लीजिए ए ने जो है बी को चेक दिया था पे टू बी, ठीक है,
अब बी चाहता है सी को देना। अब तो यहां पे जो ओरिजिनल चेक था वो क्या था, पे मिस्टर बी, ठीक है, यहाँ अमाउंट था यहाँ साइन था। इसके चेक के पीछे अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे इसने लिख दिया बी, अब बी के पास आ गया ना चेक, होल्डर बी है, तो अब पे मिस्टर सी, ठीक है, और ऑर्डर मतलब उनके ऑर्डर पे नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए जब भी एक चेक डिसऑनर होता है, मान लीजिए सी, जो मान लीजिए बी ने अभी ये सी को एंडोर्समेंट दे दिया, एंडोर्स कर दिया इसके नाम पे, अब मान लीजिए सी ने ये चेक दिया अपने बैंक में और बाद में ये देखा गया कि ये चेक जो है वो डिसऑनर हो गया, कि इसमें इनसफिशियंट फंड्स, तो होता क्या है कि सी को जो भी पार्टी जिसका मतलब जिसके पास ये चेक था और उसको पैसा नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, जिससे उसने लिया उसको एक नोटिस देगा और बोलेगा भैया आपका जो है डिसऑनर हो गया है, आप मुझे जो है पैसा मुझे इसको दो, जल्दी से जल्दी दो। तो ये जो है मतलब ये जो आपको एक राइटिंग में भेजना पड़ता है अपने, जिससे आपने चेक लिया है, अगर आप इसको जो है वेव कर दो कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसमें लिख देंगे पे मिस्टर सी और ऑर्डर उनके ऑर्डर पे नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड, मतलब कि आपको डिसऑनर का जो मुझे नोटिस है वो भेजने की जरूरत नहीं है, आप ये मत भेजो। तो इसका मतलब ये नहीं, अगर आप डिसऑनर का नोटिस नहीं भेजोगे तो आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी। क्या है, बी की अभी भी लाइबिलिटी है, अगर डिसऑनर हुआ है तो बी को जो है पैसा तो देना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने ऐसा थोड़ी ना लिखा है विदाउट रिकोर्स, मतलब आप मेरे पास वापस मत आओ, ये ऐसा विदाउट यानी सांस रिकोर्स या फिर कंडीशनल एंडोर्समेंट, आपने ऐसी एंडोर्समेंट थोड़ी ना लिखी है, आपने क्या है फैकल्टेटिव लिखी है क्या, कि भैया नोटिस, अगर पैसा डिसऑनर, अगर पैसा आपको नहीं मिलता है तो आपको मेरे को नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है, पर हालांकि मैं लायबल तो रहूंगा, आप टेंशन मत लो, कि हाउ एवर द इंडोर्सर, जो इंडोर्सर ये था ना, हाउ एवर रिमेन्स लायबल टू द इंडोर्सी फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो जो भी इसमें पैसा है वो इसको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, बस नोटिस जो है इसके अगर ऐसा लिख दिया तो बस आपको नोटिस, सी को नोटिस भेजने की वापस जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इंडोर्समेंट के बारे में, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। इंडोर्समेंट की हमने बात करी थी, इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, जब पे पे जो है पे के मान लीजिए चेक के पीछे, देखिए तीन तरह की चीज़ें होती हैं, या तो आप चेक के फे इंडोर्समेंट अगर आपको करनी है ऑर्डर चेक में, तो आप क्या करें, या तो फेस पे ही इसमें ही कर दें, फेस में यानी सामने उसके फेस पे, या फिर चेक के पीछे कर दें, या फिर आप एक अलग से एक पेज ले लें उसके ऊपर आप ये सारी इंडोर्समेंट लिखें और उसके साथ चेक के साथ अटैच कर दें, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं इंडोर्समेंट के अंदर। तो टोटल 6 तरह की हमने इंडोर्समेंट पढ़ी है, 6 में सबसे पहली हमने पढ़ी थी इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, मतलब कि आपने चेक के पीछे या इस पेज पे आपने जो लिख दिया पे डैश और नीचे जो है होल्डर ने अपने साइन कर दिए, जिसके पास भी ये वो चेक है उस टाइम पे वो अपने नीचे साइन कर देगा। अगर ये जो है यानी इसका आगे कुछ भी नहीं लिखा, एक तरह से एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट बन गया, जिसके पास भी ये रहेगा वो कोई भी जाके पैसा निकाल सकता है, क्योंकि डैश है तो बैंक पूछेगा ही नहीं ना कि भैया किसको देना है, यहाँ पे तो मिस्टर बी ने बोला भैया किसी को भी दे दो, तो कोई भी आके ले जाएगा। तो ये इंडोर्समेंट इन ब्लैंक जो है वो रिस्की रहती है। अगली बात करें यानी, और उसके बाद हम बात करें इंडोर्समेंट इन फुल की, मतलब पे आपने नाम लिख दिया जिसको आप देना चाहते हो और फिर नीचे साइन कर दिया, ठीक है, तो ये क्या कहेंगे हम, इंडोर्समेंट इन फुल। अगर हम कंडीशनल इंडोर्समेंट की बात करें तीसरा, तो आपने लिख दिया पे मिस्टर सी, उसके बाद एक कंडीशन कुछ लगा दी कि हाँ भैया अगर ये होगा तो ही इसको पैसा मिलना चाहिए, मतलब पे मिस्टर सी ऑन डेथ ऑफ मिस्टर बी, अगर बी की डेथ हो गई तभी मिस्टर सी को पैसा मिलना चाहिए और मिस्टर बी ने यहाँ साइन कर दिए, तो ये एक तरह का कंडीशनल इंडोर्समेंट हो गया। या वो ये लिख दे कि मेरे पास वापस नहीं आने का अगर डिसऑनर हो गया, जो भी है भैया आपकी लाइबिलिटी मेरी लाइबिलिटी नहीं रहेगी अगर ये जो है डिसऑनर हो गया तो, ठीक है ना, तो ये भी एक तरह का कंडीशनल इंडोर्समेंट है। रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट की बात करूं चौथा, वो क्या होता है, इसके बारे में सेक्शन 50 ऑफ द एनआई एक्ट में दिया गया है। रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट इंडोर्समेंट के अंदर अगर ये लिख दे पे मिस्टर सी ओनली, ओनली वर्ड दे दिया मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसका मतलब इसके आगे जो है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा, आप इसको आगे नेगोशिएट नहीं कर सकते हो, यहीं पे इसकी नेगोशिएबिलिटी इस इंस्ट्रूमेंट की खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ आपने ओनली कह दिया, क्योंकि पे मिस्टर मतलब इस जो भी इसकी प्रोसीड्स होगी वो मिस्टर सी को ही मिल सकती है और किसी को नहीं मिल सकती है, तो यहाँ पे इसकी नेगोशिएबिलिटी खत्म हो गई, तो इसको हम लोग कहेंगे रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट। ठीक है, अगली हम बात करें सांस रिकोर्स। सांस रिकोर्स मतलब, सांस का मतलब होता है विदाउट, विदाउट रिकोर्स मतलब आपके पास, आपने जो मैंने आपको ए से पहले बी के पास गया, बी ने सी के नाम पे एंडोर्स किया, तो ये एंडोर्सर हो गया और ये एंडोर्सी हो गया, मतलब उसने ऐसा लिख दिया पे मिस्टर सी
विदाउट रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स टू मी मतलब मेरे पास वापस नहीं आने का अगर डिसऑनर हो गया तो इस तरह की इंडोर्समेंट को हम लोग कहेंगे, मतलब कि क्या है, इंडोर्सर ने अपनी लाइबिलिटी खत्म कर दी कि भैया तुम्हारा जो है चेक रियलाइज हो, आपको पैसा मिले या नहीं मिले मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे पास वापस नहीं आने का। तो इसको, इस तरह के इंडोर्समेंट को हम लोग कहेंगे सांस रिकोर्स। बहुत ही ज्यादा जिसको चेक की नॉलेज नहीं है वो इससे धोखा खा सकता है, ये चीज ध्यान रखिए। अगला जो है कौन सा होगा दोस्तों, लास्ट आपका क्या है, फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव कुछ भी नहीं है, बस ये बोला गया है कि पे मिस्टर सी और एंड नोटिस ऑफ डिसऑनर वेड, मतलब अगर ये चेक डिसऑनर हो गया तो आपको वापस नोटिस भेजने की मेरे पास जरूरत नहीं कि आपका डिसऑनर हो गया। कभी भी कोई भी चेक डिसऑनर होता है तो पहले जो है आदमी को डिसऑनर का एक नोटिस भेजना पड़ता है विद इन 30 डेज, ठीक है। विद इन 30 डेज ऑफ डिसऑनर जो है इसको जो है अपनी पिछली पार्टी को भेजना पड़ता है जिससे उसने चेक लिया है कि भैया ये पैसा जो है इनसफिशियंट फंड या किसी कारण से डिसऑनर हो गया है तो आप मुझे पैसा दो। तो ये बस आपको नोटिस भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप फैकल्टेटिव जो है इंडोर्समेंट करते हैं, यानी ये एक तरह की फैकल्टेटिव का एग्जाम्पल है, नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड। तो आपको नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है, पर जो ओरिजिनल पार्टी है जो ये बी थी वो आपको पे करने के लिए लायबल रहेगी, ऐसा नहीं है कि वो लायबिलिटी उसकी नहीं है, उसको पैसा तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने 6 तरह की एंडोर्समेंट पढ़ी है, मुमकिन है हो सकता है आपको ये समझ में आ गया हो। अगला टॉपिक हम लोग लेंगे क्रॉसिंग ऑफ चेक्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा ये चैप्टर सोने वाला तो मैं नहीं कहूंगा, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको समझेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना मजा आएगा इसको पढ़ने में। और अगर आप इसको बिल्कुल ऐसे बोरिंग तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ आजकल जो है जो अभी जो नया पैटर्न है उसके हम नहीं जानते हैं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, पर अगर मान लीजिए आपको ये बेसिक चीज़ें भी इसकी याद रहेगी, हमने इतना डिटेल में पढ़ लिया, बेसिक चीज़ें भी याद रख गई, तो आपको जो है क्वेश्चन आपका 100% सॉल्व हो जाएगा, इसलिए आप इस चीज़ को समझें, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक्स की तरफ। चलिए दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है क्रॉसिंग ऑफ चेक्स। दोस्तों इफ द ड्रॉअर ऑफ द चेक वांट्स टू इंश्योर सेफ्टी एंड ऑडिट ट्रेल ऑफ पेमेंट, ही मे फर्दर डायरेक्ट द पेइंग बैंकर टू पे द चेक ओनली थ्रू एन अकाउंट। क्रॉसिंग ऑफ द चेक फुलफिल्स दिस मैंडेट ऑफ द ड्रॉअर, ठीक है। दोस्तों अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है क्या नहीं, एक डायग्राम लेते हैं उसके अंदर आपको मैं समझाता हूँ क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। आप एक बार पढ़ सकते हैं, जनरल क्रॉसिंग क्या होता है, इट इज़ डन बाय ड्रॉइंग टू पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्स हैं ऑन द फेस ऑफ अ चेक। द क्रॉसिंग में इंक्लूड सच वर्ड्स एज एंड कंपनी और नॉट नेगोशिएबल इन बिटवीन द ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस। इट इज़ अ डायरेक्शन टू द बैंक पेइंग बैंक नॉट टू पे अ चेक अक्रॉस द काउंटर एंड शुड बी पेड ओनली थ्रू अ बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हमने जनरल क्रॉसिंग के बारे में पढ़ा। टोटल 2 टाइप की क्रॉसिंग होती है, जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग, तो हम अभी पढ़ेंगे। पहले अब डायग्राम देखिए, आपको ये सब समझ में आ जाएगा क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है।